सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम संदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग इनटू कैन ब्लॉग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं बात करने वाला हूँ, जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या हम कनाडा में आने के बाद हम अपना जैसे कॉलेज या प्रोग्राम या फिर कोर्स चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो मेनली जो स्टूडेंट्स को होते हैं, तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्या हम अपना जैसे प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं किसी एक कॉलेज में, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है क्या हम अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं आने के बाद, और जो थर्ड क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपना कॉलेज के साथ साथ जैसे हम अपना प्रोविंस भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन तीनों टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। सो ठीक है गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो राइट नाउ। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि क्या हम कनाडा में जैसे किसी कॉलेज में आए हैं, हम वहाँ पे आने के बाद हम अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं और क्या हमें कोई डिफ़िकल्टी होएगी। तो यस गाइस, हम इजीली अपना प्रोग्राम यहाँ पे आने के बाद हम चेंज कर सकते हैं और डिफ़िकल्टी हमें कुछ भी नहीं होती प्रोग्राम अगर हमें चेंज करना हो। जैसे कई स्टूडेंट्स जैसे होते हैं यहाँ आने के बाद जैसे इंजीनियरिंग में आते हैं इंडिया से लेके, और वहाँ से मतलब इंजीनियरिंग लेके आने के बाद यहाँ के वो जैसे किसी आर्ट्स के या हॉस्पिटैलिटी वाले प्रोग्राम में चल जाते हैं, या फिर किसी प्रोग्राम में अगर कोई मूव करना चाहता है वो कर लेते हैं। बट अब हमें यहाँ पे जो मेन जो चीज़ होती है वो हमें ध्यान रखनी होती है, वो ये कि जैसे प्रोग्राम चेंज करने की एक डेडलाइन होती है यूनिवर्सिटी की, या कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसमें भी हम जा रहे हैं, तो हमें उस डेडलाइन का ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर हम लेट हो जाते हैं, अगर हम लेट करते हैं चेंज प्रोग्राम, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि डेडलाइन यूजली 30 डेज की होती है, जैसे मतलब कि इनरोलमेंट्स के दिन से लेके अगले 30 डेज तक होती है डेडलाइन। हमें मतलब अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या इनरोलमेंट सर्विस से हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि डेडलाइन कब की है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है वो डेडलाइन की होती है, क्योंकि अगर हम किसी डेडलाइन के निकल जाने के बाद अगर हम अपना प्रोग्राम चेंज करने की सोचते हैं, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी ये आता है कि हमें कॉलेज जैसे फीस रिफंड करने से मना कर देता है। और कई बार होता है कि जैसे मेन डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट्स को आती है वो होती है कि जैसे कई बार जिस प्रोग्राम में हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल नहीं होती। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रोग्राम में हम चेंज करना चाह रहे हैं वहाँ पे सीट्स अवेलेबल हो, क्योंकि अगर सीट्स अवेलेबल होगी तभी हम वो प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे जो डाउट होता है कि जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि जैसे हमारा जैसे स्टडी परमिट है उस पर लिखा है जैसे फील्ड ऑफ स्टडी, तो लिखा है साइंस, जैसे हम साइंस की फील्ड में आए और हम आगे चेंज कर रहे हैं आर्ट्स के में, तो क्या हमें कोई डिफ़िकल्टी होएगी? तो यूजली गाइज, अगर हम सेम कॉलेज में जैसे जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं और अगर हम उसी में हम प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो हमें यूजली कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। बट हम अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए जैसे हम कैनेडियन एम्बेसी को हम कॉल करके बता सकते हैं कि भाई हम जैसे इस प्रोग्राम में आए थे और हमें ये प्रोग्राम जैसे हमें ठीक नहीं लगा, हमने थोड़ा सा पढ़ के देखा तो हमने इस करके अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया है। सो दैट कि हमें अगर हम फ्यूचर में हम अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें तो हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और इसमें मेन थिंग जो मैटर करती है वो होती है कि हमें डेडलाइन का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर डेडलाइन एक बार निकल जाती है कोर्स चेंज करने की, तो अगर हम यूजली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर में ही फिर चेंज करते हैं अपना प्रोग्राम, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारी ट्रांसक्रिप्ट्स जो हमारी फाइनल जो ग्रेजुएशन के बाद आती है उस पर वो मेंशन हुआ आता है कि भाई हमने जो प्रोग्राम चेंज किया है, मतलब कि जो स्टूडेंट आया था वो इस प्रोग्राम में आया था और उसने यहाँ आने के बाद दूसरा प्रोग्राम ले लिया, तो वो ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होकर आता है। तो आगे फ्यूचर में जाके हमसे एम्प्लॉयर भी पूछ सकता है कि आपने ये कोर्स चेंज किया है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना मतलब कि डेडलाइन से पहले ही चेंज कर लें। और अगर मैं गाइस बात कर लूँ उन स्टूडेंट्स की, मतलब जिनको कोर्स भी चेंज करना होता है और कॉलेज भी या कह लो प्रोविंस भी चेंज करना होता है साथ में, तो ये तीनों का मतलब जैसे सेम ही प्रोसेस होता है। तो सबसे पहली जो मेन थिंग जो हमें ध्यान रखनी होती है इसमें होती है कि हम जिस कॉलेज में हम जाना चाह रहे हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, हमारे पास उसका ऑफर लेटर हो। क्योंकि हम जिस कॉलेज में हम राइट नाउ मतलब इनरोल्ड हुए होते हैं, वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमारे से सबसे पहले जो थिंग मतलब सबसे पहले जो चीज़ मांगते हैं वो होती है नेक्स्ट कॉलेज का ऑफर लेटर। क्योंकि अगर हम उन्हें नेक्स्ट कॉलेज का हम ऑफर लेटर नहीं शो करेंगे तो वो हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करते, तो हम कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले अपना मतलब कि ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। और जैसे हमें फ़ीस रिफंड पॉलिसी से रिलेटेड भी हमें पता होना चाहिए जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, हर एक कॉलेज की अपनी डिफरेंट फीस रिफंड पॉलिसी होती है। कई कॉलेज होते हैं वो 500 से $1,000 के बीच में लेके हमारी फुल फीस रिफंड कर देते हैं, और जबकि कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी हमारी 50% फीस रिफंड करते हैं, और ज़्यादातर कॉलेजेस होते हैं कि हमारी बिल्कुल फीस रिफंड नहीं करते। तो हमें ये चीज़ हमें माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि हमें फीस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर हम कॉलेज चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले उस कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस रिफंड पॉलिसीज का पता कर लें। और अब यहाँ पे जो मेन थिंग एक और हमें ध्यान में रखनी होती है कि अगर हम जब कॉलेज चेंज करने लगे हैं, तो जब हम मतलब अपनी जब हम फीस रिफंड करवा रहे होते हैं जिस कॉलेज में हम राइट नाउ इनरोल्ड होते हैं,
तो वहाँ पे जो फीस रिफंड का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 1 मंथ से भी ज़्यादा लग जाता है कई बार। तो हमें अपने पेरेंट्स से सबसे पहले अपना जो मतलब कि फंड्स की अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें जो हमें नेक्स्ट कॉलेज का जो ऑफर लेटर मिला होता है उसकी फीस जो होती है हमें वो साथ की साथ जमा करानी होती है। तो हमें अपने सबसे पहले फ़ंड्स अरेंज कर लेने चाहिए अपने पेरेंट्स से, ताकि हम वहाँ पे फ़ीस सबमिट करा सकें। और जैसे कि एक और डिफ़िकल्टी जो होती है कि जो जैसे हमारी जो फ़ीस का जो रिफ़ंड होता है वो हमारे जैसे जो राइट नाउ जो हमने कनाडा में आके बैंक अकाउंट खुलवाया होता है उसमें नहीं आता कभी भी। तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भी जैसे हमारा रिफ़ंड इसी अकाउंट में आ जाएगा तो हम यहीं से सबमिट करा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जो रिफ़ंड आता है वो उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से हमने जैसे फ़ीस पे की होती है जैसे इंडिया से। तो हमें जैसे वो इन्फॉर्मेशन भी अपनी एट ए टाइम पे रेडी रखनी होती है, क्योंकि जब हम रिफ़ंड के लिए हम अप्लाई करते हैं फॉर्म में वो हमें मेंशन करनी होती है कि हमारे अकाउंट में मतलब कहाँ जाएगा रिफ़ंड। तो ये गाइज हमें जैसे ये चीज़ें होती है जो हमें मेन ध्यान रखनी चाहिए। और जो इसमें मेन जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है कि हमें अपना जैसे स्टडी परमिट पे जैसे DLI नंबर मेंशन होता है, वो होता है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन नंबर। तो जब भी हम जैसे अपना कॉलेज या प्रोविंस जो भी हम चेंज कर रहे हैं तो हमें वो अपना DLI नंबर चेंज जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि होता ऐसे है कि स्टूडेंट्स जैसे कॉलेज या कह लो कि प्रोविंस चेंज तो कर लेते हैं, बट वो अपना जैसे स्टडी परमिट जब वो जैसे अमेंडमेंट वगैरह उसमें नहीं करवाते हैं, तो फ्यूचर में जाके ऐसा होता है कि जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने जाते होते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी का जैसे सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जैसे अपना स्टडी परमिट का DLI नंबर उसी टाइम पे चेंज करा लें, और हम या फिर हम कैनेडियन एम्बेसी को कॉल करके ही बता सकते हैं कि हमने जैसे कॉलेज चेंज कर लिया है, ताकि उनको ये जैसे ध्यान में रहे कि हमने जैसे कॉलेज चेंज किया है, उनको ये ना लगे कि स्टूडेंट यहाँ पे इलीगली पढ़ रहा है। सो यही जो मेन थिंग्स है गाइज हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए जब हम कॉलेज चेंज कर रहे होते हैं। तो गाइज अभी आप ये वीडियो देख के हटे हो, आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट या कोई भी सजेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे जाके मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो भी कोई चीज़ मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूँ मैं वो इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ में या फिर मतलब पोस्ट के थ्रू आपको जरूर बताऊँगा। सो ठीक है गाइस, स्टे सेफ, लिव वेल, थैंक यू वेरी मच।